हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को, एंड आपको पॉजिटिवली रीडिंग देखनी है और टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, साथ ही जिन भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें याद करना है, या जो आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। ओके, चलिए देख लेते हैं कि उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्स एंड द पेज ऑफ वॉन्स। यहाँ पर सबसे पहले है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फिर उसके बाद में है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइन ऑफ सोर्ड्स अगेन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। लेट्स सी, इनको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो ना मुझे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हर्ट हैं, रिग्रेट में हैं, आइसोलेटेड एनर्जी है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यूनिवर्स थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द सन, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को द सन एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। और द सन एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आपके पर्सन को ना किसी तरीके की क्लियरिटी मिली है। ओके, किसी तरीके की कोई क्लियरिटी मिलते हुए मुझे दिखाई देती है, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि शायद इनको, मतलब इनका सोचना कुछ और था और उनकी वो रियलिटी में चीज़ें कुछ और थी। तो अभी मैं यहाँ पर वही चीज़ देख रही हूँ कि आपके पर्सन हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनको क्लियरिटी मिली है कुछ चीज़ों को लेकर के, और क्लियरिटी मिलने पर वही रिग्रेट जो होता है। और मुझे लगता है इन्होंने आपको भी बहुत हर्ट किया है, या आपको इन्होंने चीट किया है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है इन्होंने ट्रायंगल बनाया, मतलब कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की इस रिलेशनशिप में, तीन लोग इन्वॉल्व हुए, वो वाली चीज़ वो इनकी साइड से हुआ। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ क्लियरिटीज़, कुछ सच्चाई सामने आना, या खुद को सेल्फ रियलाइज़ होना कि यस यहाँ पर मैं गलत हूँ। और मुझे यही दिखाई देता है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई, और अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, इस पर्सन का दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा हुआ है, ये भी मुझे दिखाई देता है। मतलब एक होता है ना कि इंसान को फील हो रहा है वाकई कि मैंने गलत किया, तो इनको भी वो चीज़ फील हो रही है कि यस मैंने गलत किया है, और ये उसको फील कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो मुझे इनकी एनर्जी, मैंने कहा ना कि मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन हर्ट है, तो आपके पर्सन हर्ट है, वो इसीलिए हर्ट है क्योंकि वो जैसे चीज़ों के बारे में सोच रहे थे चीज़ें वैसी नहीं थी, बिल्कुल अलग, लाइक यू नो शायद वो खुद को, या तो दूसरे के लिए उनकी कुछ सोच थी जो कि गलत साबित हुई है, या फिर आपको लेकर के कुछ गलत सोच थी जो कि कहीं ना कहीं वो दूर हुई है, बट किसी तरीके की कोई क्लियरिटी मिलना जिससे उनकी आंखों की पट्टी खुलना या फिर उनको समझ में आना कि क्या सही और क्या गलत है, देन उसके बाद में दुख होना अंदर से, यार ये यू नो गलत हो गया मेरे से, क्योंकि हमें दुख होता है ना जब हम कुछ भी सही चीज़ को गलत कर देते हैं ना, कि भाई वो सही थी लेकिन फिर भी हमने उसके साथ गलत किया, तो कहीं ना कहीं दुख होता है, या किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं और वो पर्सन जो है कुछ और ही निकले, तो वो भी दुख देता है, मतलब तकलीफ़ देता है, तो मुझे वैसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि इनके साथ भी कुछ ना कुछ वो चीज़ हुई है। ओके, एंड यहाँ पर है अगेन लियो साइन, ओके, सिंह राशि, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्स आया है। सेवन ऑफ वॉन्स मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना परेशान से दिखाई देते, क्योंकि सेवन ऑफ वॉन्स की एनर्जी यही चीज़ बताती कि बहुत परेशान है अभी। ओके, बिकॉज देखो इनको क्यों है परेशानी, इनको एक तो परेशानी, एक तो एक चीज़ बता देती हूँ कि इन्होंने ना अपनी लाइफ से एक ऑनेस्ट पर्सन खोया है, और आप इनके साथ ऑनेस्ट रहे हो रिलेशनशिप में जितना आप रह सकते थे, जितना नहीं वो हमारे हाथ में, राइट, चॉइस होती है ना। मैं ये कहूँगी कि किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, या एक से ज़्यादा ऑप्शंस लाइफ में रखना, ये चॉइस है। ओके, क्योंकि दिमाग सबके पास है और सब जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, और उसके बाद भी अगर हम दो तीन ऑप्शंस रख रहे हैं इट मीन्स वो हमारी चॉइस है। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे डिस्टर्ब से दिखाई देते, डिस्टर्ब सी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि कभी कभी ना आपके पर्सन ना डिफेंसिव एनर्जी में चले जाते हैं, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद वो ना बहुत हर चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे थे आपकी हर चीज़ से, जैसे होता है ना पीछा छुड़ा के भागना या दूर दूर रहना, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये भी आपसे पीछा छुड़ा के भागने की कोशिश कर रहे थे, आपसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, आपको ब्लॉक कर दिया और यू नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने की कोशिश करना, ब्लॉक कर देना बात बात पर, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते कि जैसे अभी ये उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि मैं वहाँ पर कितना गलत था, और आई थिंक वो चीज़ें इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू नो कि मुझे बात बात पर वो, क्योंकि दिखाई देते आप शायद इनको बहुत मनाने की कोशिश कर रहे थे, आप इनको बहुत चेज़ कर रहे थे, या मैं ये कहूँ कि आप जो है चाह रहे थे कि हमारे बीच में क्लियरिटी आ जाए तो हमारा रिश्ता बच सकता है, हम हमारे रिश्ते को संभाल सकते हैं, हम हमारे रिश्ते को अच्छा कर सकते हैं, तो वही है कि यहाँ पर आपके पर्सन ने एक भी नहीं सुनी, वो अपने ईगो में रहे, सुनने के बजाय उन्होंने झगड़े किए या बुरा बुरा बोला, तो यहाँ पर दिखाई देते कि आपके जो पर्सन है अभी उनको समझ में आ रहा है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन थे, और एक जो जो जिस रिलेशनशिप में वो आपके साथ थे उस रिलेशनशिप में बहुत लॉयल्टी थी। ये ना लोगों से जब डील कर रहे हैं ना तो इनको वो चीज़ दिखाई दे रही है, और इसीलिए ज़रूरी भी है, तभी कहते भी हैं कि अपने पर्सन को छोड़ो थोड़ा फ्री, जब वो लोगों से डील करेंगे तो वो रियलाइज़ करेंगे अपनी मिस्टेक्स को। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये भी जब लोगों से डील कर रहे हैं तो इनको समझ में आ रही है अपनी गलतियाँ, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन ना आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ जो भी चीज़ें गलत किए उनको वो ठीक करें, वो एक्सेप्ट करें कि यस उन्होंने गलत किया, ये मुझे दिखाई देता है।
दूसरा इन्होंने खुद का कर्मा पा लिया है, जो इनका कर्मा था वो इनको मिल गया है, और अभी मुझे दिखाई देते कि आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, बैलेंस में चीज़ों को लेकर के आना चाहते हैं। एक और चीज़ दिखाई देती है, शायद पहले पर्सन आपके साथ बहुत फ्लर्ट वगैरह करता रहता था, या इनकी एनर्जी ऐसी रहती थी कि बहुत फ्लर्ट करते थे, और अभी मुझे दिखाई देते जैसे कि ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इस रिलेशनशिप में कर रहे थे, और लाइक वो फन वे में चीज़ों को थोड़ा ले रहे थे, लाइटली थोड़ा चीज़ों को ले रहे थे। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पहली चीज़ तो ये उसमें सुधार लाना चाहते हैं कि ये अब सीरियस वाले एफर्ट्स लें इस रिलेशनशिप के लिए। दूसरी चीज़, इनकी एक बुरी आदत भी रही है औरों के साथ फ्लर्ट करने की, मतलब आपसे तो रिलेशनशिप में लेकिन बाकी कोई अगर मिल जाएगा तो उसके साथ फ्लर्ट भी करेंगे। तो जो फ्लर्ट करने वाली आदत है, हर किसी से बात कर लेना, हर किसी से क्लोज हो जाना, हर किसी के साथ फ्लर्ट करना, मुझे यहाँ पर दिखाई देते कि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि हाँ मैं गलत हूँ, ये मेरी एक गलत आदत है, और आई थिंक वो खुद को भी, खुद के अंदर भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये चेंज आए कि मैं यू नो लॉयल रह सकूँ और इधर उधर ना जाऊँ करके, ठीक है। तो वो भी दिखाई देते हैं, मतलब इनको ना अंदर से ये चीज़ फील हो रही है कि मैं गलत हूँ यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं कि एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, डेयरिंग दिखाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो पहली चीज़, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपके साथ बिताया हुआ वक्त इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया, जितना भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनको पता है आप इनको किस तरीके से सपोर्ट करते थे, मतलब हर तरीके से आपका एक सपोर्ट, इमोशनली भी एंड वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में, मतलब आप इनको कभी आइडिया दे दिया करते थे, आप इनको सही सही चीज़ें बोलते थे। होता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ, इनको ये मतलब नहीं होता, अरे मुझे क्या मतलब है, कुछ भी करो तुम, लेकिन एक इंसान होता है ना जो अब जैसे कि खुद के ऊपर लेके सोचता है। आप इनके लिए ऐसे ही सोचते थे कि अगर मैं होती उस सिचुएशन में तो क्या करते हैं ना, आप उस बेस पर उनको गाइड करते हो। तो यहाँ पर ना रिस्क, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया कि यस आपके साथ एक नई शुरुआत करके वो रिस्क लेना चाहेंगे, वो डेयरिंग दिखाना चाहेंगे, डेयरिंग दिखा के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेंगे। क्यों रिस्क? क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ कप्स भी है, रिजेक्शन का डर है, और इनको डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप बात नहीं करोगे, आप बात करना पसंद नहीं करोगे, तो इसलिए इनके लिए थोड़ा सा मतलब डेयरिंग वाला काम होगा, और कहीं ना कहीं हाँ एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन इनको थोड़ा रिस्की भी लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे या आपकी तरफ से कैसा रिएक्शन निकल के आएगा। तो ये चीज़ भी इनको समझ में नहीं आ रही है, बट यस ये लेना चाहते हैं एक्शन आपकी तरफ। ओके एक नई शुरुआत का। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि इन्होंने आपको इग्नोर बहुत किया है, आपको, आपकी बातों को, आपने कुछ भी बात बोली तो भी इन्होंने इग्नोर किया, कुछ क्वेश्चंस किए तो इग्नोर किया, आपने इनको रोकने की कोशिश की तो इग्नोर किया, बाद में भी जब आपने कॉल मैसेजेस किए तो इग्नोर करने की कोशिश, मतलब तो इन्होंने इग्नोर किया। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है कि मैंने उसको इतना इग्नोर किया है तो वो मुझे क्यों नहीं करेगी, यू नो। तो उनको लगता है कि आप जो उनको दे, जो इन्होंने आपको दिया वो आप रिटर्न कर दोगे, लो भाई तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो जैसे को तैसा। हो सकता है ये पर्सन ऐसे हो रिवेंज वाले कि ये लेते हैं, मतलब बदला लेते हैं तुरंत ही कि लाइक ठीक है जैसे का तैसा कर देना, तुमने ऐसा किया तो मैंने वैसा किया। एंड आई थिंक कि अपने हिसाब से सोच रहे कि आप भी वैसे ही होगे एंड आप भी वही चीज़ करोगे, तो इनको शायद ऐसा फील हो रहा है अंदर से, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो इनको ना रिग्रेट होता है, मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तो ये बहुत अकेलेपन में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
एक अकेलेपन में चले गए हैं, आइसोलेटेड एनर्जी हो गई है, रिग्रेट वाली एनर्जी हो गई है, एक अकेले 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 रहना, किसी से बातचीत ना करना, कनेक्शन ना रखना, और मन नहीं कर रहा मेरा किसी से बात करने का, अपने आप में अपनी कंपनी में खुश हूँ, रिग्रेट हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का। तो यस, मुझे दिखाई देते कि इन्होंने जल्दबाजी में कुछ फ़ैसले लिए, गुस्से गुस्से में कुछ फ़ैसले लिए। जब इंसान को गुस्सा आता है वो सोच समझ नहीं पाता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और गुस्से गुस्से में वो बहुत ऐसे एक्शंस ले जाता है, ऐसे कदम उठा लेता है अपनी ज़िंदगी में जो कि फिर उसको बाद में रिग्रेट होता है। एंड मुझे दिखाई देते कि इन्होंने भी ऐसी एक्शंस लिए हैं इस कनेक्शन में आपको लेकर के, जो कि बहुत जल्दबाजी में और बहुत गुस्से में लिए गए हैं, जिनका कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी रिग्रेट कर रहे हैं, उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों इतनी जल्दबाजी में ये फैसले लिए, मुझे थोड़ा रुक के सोचना चाहिए था और सोच समझ करके एक्शन लेना चाहिए था, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, यस, यहाँ पर है यू नो नाइट ऑफ वॉन्स। सो नाइट ऑफ वॉन्स एक और चीज़ बताता है कि नाइट ऑफ वॉन्स में एक अट्रैक्शन को भी बताता है कि हाँ इनको अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्स की ना एक चीज़ ये भी है कि वो ना गुस्से में कुछ देखता नहीं है, मतलब उसके सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो कम हो जाती है, और वो सोच समझ नहीं पाता क्या सही क्या गलत, उसमें फ़र्क ही नहीं कर पाता। तो वही ना कि दिमाग नहीं लगता उस टाइम पर, बस वो गुस्से में चढ़ के, तभी कहते हैं कि खुशी में कोई वादा मत करो, गुस्से में कोई फैसला मत करो, वो सच्ची है, क्योंकि हम गलत हो जाते हैं वहाँ पर, और इनके साथ वही चीज़ हुई जिसका रिग्रेट इनको हो रहा है अभी। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से फाइव ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना हमेशा बेचारे बन जाते हैं कि यू नो मेरी कोई गलती नहीं है एंड ऑल, मतलब बातों को ना घुमाने में बहुत एक्सपर्ट है। एक इंसान होता है ना जो अपनी बातों को बहुत अच्छे से घुमा देता है, उसके पास वो है, वो क्षमता है कि वो घुमा दे बातों को, तो वो दिखाई देता है मुझे कि आपके पर्सन के अंदर वो चीज़ है। देखो आपके पर्सन के अंदर पता क्या है, आपके पर्सन के अंदर ऐसी टेक्निक्स है कि ये बहुत अच्छा मैनिपुलेट कर लेते हैं दूसरों को, ठीक है, दूसरा दूसरों की अटेंशन बहुत अच्छे से ले लेते हैं, मतलब दूसरों की अटेंशन खुद की तरफ बहुत स्ट्रांगली ले लेते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। थर्ड मुझे दिखाई देता है कि ये अपनी बातों से ना किसी को भी इमोशनल कर देंगे, इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट कर देते हैं, ये भी है। और इनके पास ये भी है कि एक एक वो भी एक शक्ति भी है इनके पास कि लाइक दो मिनट में किसी को इतना इमोशनल, बहुत अपनापन, और दो मिनट में चल भाई तेरा कोई काम नहीं, वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की कि लाइक यू नो ये पर्सन में हैं वो चीज़ें कि ये लोगों की अटेंशन ले सकता है, इसके अंदर वो चीज़ है, ये वो चीज़ें करता है, और मतलब क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन वही होता है ना कि सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, अब उन क्वालिटीज़ का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर डिपेंड कर जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, और मुझे लगता है कि रॉन्ग वे में यूज़ कर रहे हैं अपनी क्वालिटीज़ को। हाँ, ये पर्सन के पास विजडम बहुत है, ठीक है, ये इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत तेज है, काफ़ी हद तक चीज़ें इनकी सोचना सही भी होता है, बट क्या होते हैं ना कि ये ऐसे सिचुएशन बना देते कि खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कुछ यू नो कुछ चीज़ों के फ़ायदे हैं तो कुछ चीज़ों के नुकसान भी है। और इनके साथ यही है कि इनके इनको जितना अच्छा चीज़ें हैं ना कि जैसे कि दूसरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं बहुत जल्दी दूसरों के साथ, यू नो लाइक एक होता है ना इंसान की भाई वो पकड़ लेता है चीज़ों को कि कहाँ ये इंसान इमोशनली मेरे से अटैच हो सकता है, यू नो ये टैलेंट होता है, ये स्किल्स होती हैं। अब कुछ लोगों के पास ये कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं बट कुछ लोग उसको सीखते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन के अंदर भी वही है, और काफ़ी इसकी वजह से बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी है, बट
ये ना कभी कभी चीज़ों को गलत वे में ले जाते हैं, कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यस मेरी गलती है, नहीं करेंगे उसको एक्सेप्ट, और खुद बेचारे बन जाते हैं हमेशा। बल्कि होती है इनकी गलती, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इनके पास ना एक दिमाग है बहुत अच्छा सा, जिसका ये बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि कैसे बातों को घुमाना है, कैसे चीज़ों को घुमाना है, कैसे मैन्युपुलेट करना है। तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं उस चीज़ को। मजिशियन एनर्जी बहुत सुंदर एनर्जी है, अगर इसका यूज़ बहुत अच्छे से किया जाए। टैलेंटेड एनर्जी है, विजडम से भरी हुई एनर्जी है, लेकिन वही कि उसका सही इस्तेमाल किया जाए, सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वो किसी काम की है, राइट। तो वही दिखाई देता है कि यस आपके पर्सन की भी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, दिमाग भगवान की कृपा से बहुत अच्छा मिला है, लेकिन उसका इस्तेमाल थोड़ा ना अलग वे में हो रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट एनर्जी। ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, पहली चीज़ तो ये, ठीक है, इनको अट्रैक्शन है। सेकंड चीज़ ये है कि ये पर्सन थोड़े सेल्फिश भी हैं, मतलब कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये इनकी एनर्जी ये भी है कि खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सामने वाले के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, खुद का ज़्यादा इनके लिए मैटर करता है। हर्मिट एनर्जी एक अकेलेपन वाली एनर्जी को भी बताता है कि हाँ थोड़े अकेलेपन से भी गुजर रहे हैं। थर्ड मुझे सेल्फ रियलाइजेशन दिखाई देती है कि यस कुछ चीज़ें रियलाइज़ भी कर रहे हैं वो, कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पर भी एक क्लियरिटी बताई जा रही है, उधर भी सबसे पहले क्लियरिटी का ही मैसेज था, तो आपके पर्सन को क्लियरिटी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अब सब चीज़ों को देखते सोचते समझते एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब कि चीज़ों को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। उनका ये कि हो गया सो हो गया, उसको पीछे छोड़ते हैं, अब एक नए तरीके से चीज़ों को शुरू करते हैं। तो मुझे दिखाई देता है अभी ये हाल फिलहाल यही सोच रहे हैं और यही चाहते हैं कि चीज़ें नए तरीके से शुरू हों, ठीक है। बट एक चीज़ क्लियर है कि खुद के बारे में सबसे पहले सोचते हैं कि इनका फ़ायदा और नुकसान क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग ये चलते हैं, और कभी-कभी इस वजह से बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, और ये चीज़ आपने देखी भी होगी इनके अंदर। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर मुझे बताती है, यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और सब चीज़ों को समझते हैं, बट इनका प्यार थोड़ा अलग तरीके का है, मतलब ये डोमिनेट करते हैं, पजेसिव हैं। मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन डोमिनेटिंग नेचर के पर्सन है, रोका टोकी इनकी बहुत रहती है, या कंट्रोल बहुत करने की कोशिश करते हैं, खुद के कंट्रोल में लेके चलना, जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं उनको खुद के कंट्रोल में रखने की आदत है कि अपने तरीके से चलाऊं, अपने वे से चलाऊं। प्यार करते हैं, लेकिन इनका प्यार करने का तरीका थोड़ा ऐसा है कि मेरे कंट्रोल में रहो भाई, मेरे तरीके से चलो, और जहाँ उनके तरीके से नहीं चले वहीं वो बहुत अजीब बिहेव करने लगते हैं, ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि जैसे इस इंसान को कभी प्यार ही नहीं था। ओके, सो दिखाई देता है डोमिनेटिंग नेचर के ये पर्सन हैं, और कंट्रोल करते हैं ये, अपने तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मेन बात ये है कि जो लोग इनसे जुड़े हैं, या तो बहुत कम लोग इनसे जुड़े हुए होंगे, और अगर जुड़े हुए भी जितने भी लोग हैं ये मान लो कि वो उतने ही हैं जो इनकी सुन लेते हैं, ठीक है, या इनके अकॉर्डिंग चल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनके अकॉर्डिंग नहीं चले तो ये किसी को अपने पास नहीं रखते, इनकी आदत है, मतलब भाई मेरे पहले चीज़ तो जो इंसान सेल्फिश नहीं है ना वो इंसान ज़रूर इनसे इनके इनके साथ आर्ग्यू होगा। क्यों?
क्योंकि वो इंसान जिसको मतलब कोई सेल्फिश रीज़न नहीं है ना, वो चाहेगा इक्वली चीज़ें हों सारी, और मतलब वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहना चाहेगा, उसके पास खुद का दिमाग है, उससे चलना चाहेगा। तो इनके साथ ज़्यादातर वो लोग जुड़ेंगे जो सेल्फिश हैं, मतलब अपने मतलब के अपने फ़ायदे के लिए बस उनका सह रहे हैं या सुन रहे हैं। तो प्यार है, लेकिन वही मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत अलग वे का है। जिसको भी प्यार करेंगे उसको बहुत कंट्रोल करके रखेंगे, जिसको भी अपना कहेंगे उसको अपने तरीके से चलाएंगे, और मुझे लगता है वही चीज़ इन्होंने की भी है। तो प्यार इनके लिए यही है कि भाई मेरी बात मानो, तो क्यों नो लाइक हाँ ये कंट्रोल करेंगे, मुझे दिखाई देता है ये अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं चीज़ों को, ये मुझे दिखाई क्लियरली दे गया है यहाँ पर, और दे भी रहा है कि अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैं कहूँगी कि प्यार है, बट अगर आप ये कहते हो कि वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, वो क्या चीज़ है, आप ये इनकी एनर्जी जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व की वो ये कहती है कि प्यार है, बाकी जो मैं करूँ वो मेरा, यू नो लाइक वो मत देखो। इनका कहने का क्या मतलब है कि वो मत देखो जो मैं कर रहा हूँ, जो है मेरी, मेरे पास विजडम है, मैं देख लूँगा, मतलब अपने आप को इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा समझना, तो ऐसा कुछ है इनका। गलती तो वैसे ही नहीं मानते जो कि क्लियर दिखाई देते। तो किंग ऑफ कप्स अगेन, जो कि बात करते हैं कि फीलिंग्स है, प्यार है, लेकिन उनका तरीका यही है प्यार करने का। वो खुद किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे कि कोई उन्हें रोके टोके रिस्ट्रिक्शंस लगाए, वो नहीं पसंद करेंगे। दूसरे पर, सामने वाले पर वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो एकदम सही हूँ मेरी लाइफ में, सामने वाले को मुझे कंट्रोल करके रखना है। तो भाई वो एक सोच है इनकी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करता है नाइन ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं कि आपकी पर्सन ऑफ कोर्स आपसे प्यार करते, नाइन ऑफ कप्स इनकी बहुत सारी विशेस आपके साथ पूरी होती हैं, या मैं कहूँ कि आपको पा करके ये पूरे होते हैं। वैसे इनकी लाइफ में कोई भी किसी तरीके की कमी नहीं है, बस आपका प्यार आपका साथ मिल जाए तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। नाइन ऑफ कप्स से वन कम एक कप की ज़रूरत है विश फुलफ़िल होने में, मतलब विश फुलफ़िल ऑलरेडी है, लेकिन वही एक कम्प्लीशन कि एक इंसान को सेटिस्फेक्शन होती है ना अपनी लाइफ से कि यस आई एम सेटिस्फाइड, तो उसके लिए आपकी ज़रूरत है। पहली चीज़, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपको पसंद बहुत करते हैं और इमोशनली आप इनको फुलफ़िल करते हो। सेकंड, बहुत सारी विशेज़ भी आप इनकी फुलफ़िल करते हो। किंग ऑफ कप ऑल्सो बताते हैं कि यस ये भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, एंड काफ़ी रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशंस के साथ आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशंस दिल में लेके आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है। एंड यहाँ पर चैरिट एनर्जी ये भी बताती है कि शायद आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, कास्ट रिलेशन एज का डिफरेंस भी हो सकता है, बट आई फील डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जिसके चलते भी मतलब ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन ये चैलेंजेस भी हैं। सो आई थिंक ये कुछ क्लियर नहीं करते आपको आगे फ्यूचर का, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद ये कभी कभी एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, लेकिन फ्यूचर की कोई बात नहीं करते आपसे, और आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि वो मेरे से फ्यूचर रिलेटेड कोई बात क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई देते हैं वो ये है गाइस, कि आपके जो पर्सन है ना, ये जो है ना यहाँ पर डिफरेंसेस, इसके वजह से उनको खुद को भी श्योरिटी नहीं है, आगे बढ़ना चाहेंगे वो आपके साथ क्योंकि चैरिट एनर्जी है, बट अभी श्योर नहीं है, मैं ये ज़रूर कहूँगी। ओके, सो अभी श्योरिटी नहीं है किसी तरीके की इनको। एंजल्स मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। सक्सेस,
हेल्पफुल पीपल। यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, और दूसरी चीज़ आप अपने कर्मा जो है ना, अच्छे अच्छे कर्मा उनको करते रहिए, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें कि चीज़ें रिटर्न होके आएंगे। आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, लोग आपकी हेल्प के लिए आएंगे, यूनिवर्स भेजेंगे खुद। सक्सेस है सबसे पहले तो, सिंपल मैसेज आपके लिए सक्सेस है। आप बस ट्रस्ट रखें, फेथ रखें यूनिवर्स पर, एंड अपने अच्छे कामों को ना ख़त्म करें। मतलब कई बार हम ऐसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हम क्यों लोगों के साथ अच्छा करें। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको अपना काम अच्छा रखना है, बाकी कोई कुछ करता है उसको करने दो, क्योंकि जो आपके अच्छे काम होंगे वो आपको रिटर्न मिलेंगे। तो आप अपने कामों को अच्छा रखें, बाकी जो कुछ जो भी करते हो उनको उनके हाल पर छोड़ें, ठीक है। आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं काम कर रही हूँ, यूनिवर्स देख रहे हैं, यूनिवर्स ही उसका जो है डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें, सक्सेस आप ही को मिलनी है। जो भी चीज़ें अभी हो रही है ना आपकी लाइफ में, आप ये मान के चलो कि वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही है, ठीक है। यस, क्योंकि आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने तो अपना दिल साफ रखा, इंटेंशन साफ रखी, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें ना अपनी अपनी पर्सनालिटी, अपने कामों को ऐसा रखना चाहिए कि जब हम कोई यूँ कहे ना कि भगवान देख लेगा, तो यस हम भी कहें कि हाँ भाई भगवान देख लेगा। हमें खुशी होनी चाहिए उस चीज़ की कि यस भगवान देख लेगा, क्योंकि हमें पता है हमने कुछ गलत नहीं किया, तो भगवान देखेगा तो भी हमें ही सपोर्ट करेगा। डरना तो उनको चाहिए इस बात से भगवान देखेगा करके कि जिन्होंने गलत किया है, कि भाई भगवान जब देखेगा तो चिट्ठे हमारे भी खुलेंगे। तो आपको अपनी इंटेंशंस बहुत क्लियर रखनी है, आपको अपना काम बहुत सही रखना है, बाकी वो ईश्वर देख लेगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।